हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 8 का सैंपल पेपर। ठीक है, स्पेसिफिकली हम लोग देखेंगे सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर, यानी कि आपका सब्जेक्ट जो है एसएसटी उसका सैंपल पेपर देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे उसका मार्किंग स्कीम। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये पीडीएफ है जो कि प्रोवाइड किया गया है डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर एसएसटी के सिलेबस के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है सोशल साइंस का आपका सिलेबस जो कि डिज़ाइन और डेवलप किया गया है डीएवी के द्वारा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आपका ब्लूप्रिंट जो होगा क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन वो किस तरीके का होगा, आपका ब्लूप्रिंट किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया हुआ है डिज़ाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर का जो आपका डिज़ाइन है, ये है आपका एकेडमिक सेशन 2021 और 2022 के लिए, यानी कि अभी जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है, जो कि चालू हो जाएगा 28th ऑफ द फेब्रुअरी से, तो उस चीज़ के लिए है ये पेपर आपका। ठीक है, 28th ऑफ द फेब्रुअरी से ये आपका चालू हो जाएगा, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर ये सिलेबस आपका दिया हुआ है डीएवी के द्वारा, प्रोवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे और कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो आप है आपका वो वी एस ए यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को आपको एक सिंगल वर्ड में आपको आंसर करना रहता है, या तो आप एक लाइन लिख के इसको आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो वेटेज है वो है 1 नंबर, 1 मार्क है इसका वेटेज। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। तो ऐसे क्वेश्चन टोटल आपसे पूछे जाएंगे 1 से लेकर 20 तक, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो होंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 20। तो 20 जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आपको इसको केवल एक लाइन में लिख के खत्म करना है, इससे ज्यादा आपको इसमें नहीं लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो टोटल वेटेज बन जाता है ये बनता है 20 मार्क का। अब दूसरा जो आपका क्वेश्चन का टाइप है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए, आपका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है 3 मार्क का। ठीक है, 3 मार्क का वेटेज है, यानी कि आपको जो इसका जो वर्ड लिमिट में जितना आपको आंसर करना है वो करना है आपको 150 तक के वर्ड लिमिट में आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, अंडर 150 तक में आपको इसका आंसर करना है, और आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे 21 से लेके 25 तक, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। और इसका जो टोटल वेटेज बन जाता है, क्यूमुलेटिव वेटेज, वो बनता है देखिए 15 मार्क बन जाता है। अब यहाँ पर जो अगला टाइप का जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का भी मार्क देखिए आपका 3 मार्क का है। अब यहाँ पर 26 से लेके 28th नंबर तक के क्वेश्चन, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, और इसका जो टोटल वेटेज यहाँ पर बन रहा है देखिए 9 मार्क बन रहा है। और जो आपका फाइनल जो है वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर में देखिए आपका जो वेटेज रहेगा एक सिंगल क्वेश्चन का वो रहेगा टोटल 5 मार्क। तो ऐसे करके आपसे टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि 29th से 34th क्वेश्चन नंबर में पूछे जाएंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन का वेटेज है आपका 5 नंबर। तो 6 5 का कितने हो गए यहाँ पर 30। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को। तो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को फाइनल एग्जाम के लिए मोस्टली यहाँ पर प्रैक्टिस करना ही करना है। अगर आपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया और साथ ही साथ आपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को भी यहाँ पर प्रैक्टिस कर लिया, तो आप इजीली एसएसटी के पेपर में 50 मार्क को कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका फाइनल जो है वो है मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आपका देखिए पूछा जाएगा 6 मार्क के लिए। तो 6 मार्क के लिए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1 क्वेश्चन होगा 4 मार्क का और दूसरा क्वेश्चन होगा 2 मार्क का। तो टोटल यहाँ पर बन जाते हैं 6 मार्क। और ये क्वेश्चन जो आपका रहेगा ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 35A और 35B। तो यहाँ पर आपका ये पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पर देखिए एसएसटी का जो आपका पेपर होगा वो होगा 80 मार्क का आपका पेपर होगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपको एसएसटी का जो सिलेबस है इसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं डिटेल सिलेबस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि आपको कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एसएसटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है ज्योग्राफी, दूसरा है हिस्ट्री और तीसरा है पॉलिटिकल साइंस। तो ज्योग्राफी का वेटेज देखिए आप है 27 मार्क का वेटेज है, और हिस्ट्री का भी वेटेज यहाँ पर 27 मार्क का है, और जो पॉलिटिकल साइंस का वेटेज है वो है 26 मार्क का। तो यहाँ पर देखिए कि ज्योग्राफी से टोटल आपके वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे ज्योग्राफी से। और
दो क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा ज्योग्राफी से वो पूछा जाएगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और एक मैप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि होगा 4 नंबर का। तो टोटल यहाँ पर देखिए आपका ज्योग्राफी का जो वेटेज बन रहा है वो बन रहा है 27 मार्क का। अब हिस्ट्री से आपके टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि होंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि होगा शॉर्ट आंसर, और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि होगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 5 मार्क के लिए यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और एक आपका यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसका भी हिस्ट्री का भी वेटेज देखिए आपका 27 मार्क बन रहा है। अब इसके बाद जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस में देखिए 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे टोटल वेरी शॉर्ट आंसर के लिए, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे शॉर्ट आंसर के लिए, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा ये, और दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर लॉन्ग आंसर के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसका टोटल वेटेज बन रहा है, ये बन रहा है 26। तो लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन है हर यूनिट से यानी कि ज्योग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से सारे से दो दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का जो यहाँ पर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सारा सेम रहने वाला है, और मार्किंग यहाँ पर सारे में बराबर बांटा गया है, बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं कि जो टोटल वेटेज बन रहा है वो बन रहा है 80 मार्क का। अब यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल देखिए कि 30% जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही इजी रहेंगे, ठीक है। इसको सारे बच्चे लगभग सॉल्व कर सकते हैं 30% क्वेश्चन को, अगर उन्होंने बुक को कभी उठा के पढ़ के देखा है तो। और जो एवरेज वाले जो क्वेश्चन है वो 50% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एवरेज क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए जो डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चन है वो केवल 20% रहेंगे। तो ये बहुत ही छोटा सा पोर्शन है डिफिकल्टी का, बाकी आप देखिए 80% ऑफ पेपर इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 80% ऑफ द पेपर। अब जो 20% जो डिफिकल्ट है इसके लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने एसएसटी के सिलेबस को अच्छे से कवर करके रखा है तो आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल सिलेबस मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने इस चीज़ के लिए पहले ही वीडियो बना के डाल दिया, आप वहाँ पर जाके इस चीज़ को देख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सिलेबस आपके चैप्टर सब्जेक्ट से डिलीट किए गए हैं, तो उन चैप्टर्स को आपको फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप बाकी चैप्टर के ऊपर फोकस करिए और वहां से आप सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं सैंपल पेपर, ये भी डीएवी के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया सैंपल पेपर, और ये देखिए 2021 और 2022 के लिए। तो आपको जो फाइनल एग्जामिनेशन में जो टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 3 घंटे का, और जो आपका मैक्सिमम मार्क का जो पेपर होगा वो अगेन यहाँ पर लिखा है 80 मार्क का पेपर होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हैं, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में वही सब दिया है, पेपर को आपको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए में आपके 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर इन वेरी शॉर्ट आंसर का वेटेज जो रहेगा वो रहेगा 1 मार्क का। सेक्शन बी में देखिए 21 से 28 तक के क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे शॉर्ट आंसर टाइप, अगेन मैं बता चुका हूँ शॉर्ट आंसर टाइप को आपको लिखना है 150 वर्ड्स के अंदर में लिखना है, या फिर 150 वर्ड्स तक भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट एक्सीडेड 80 वर्ड, तो आप यहाँ पर देखिए 80 वर्ड्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका जो एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है कितने मार्क का, 3 मार्क का वेटेज है यहाँ पर, ठीक है शॉर्ट आंसर में। अब सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी में है क्वेश्चन नंबर 29 से 34 तक जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए आपका इसका वेटेज है 5 मार्क का, हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 5 मार्क का, और आपको लॉन्ग आंसर को आंसर करना है विद इन 120 वर्ड्स, ठीक है 120 शब्दों के बीच में ही आपको इसका आंसर को लिखना है, तो आप यहाँ पर 5 मार्क गेन कर सकते हैं। अब जो सेक्शन डी है वहाँ पर देखिए आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो कि होगा 6 मार्क का। तो 4 मार्क के ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क का आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा जो कि होगा मैप बेस्ड क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है क्योंकि ओवरऑल आपको चॉइस नहीं मिलेगा, लेकिन हालांकि कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सैंपल पेपर में देख सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ किस किस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए सेक्शन ए चालू होता है, मैं सारे क्वेश्चन पेपर को तो रीड नहीं करूंगा, बस मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन पेपर, और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका आंसर्स भी देखेंगे कि आपको आंसर किस तरीके से करना है ताकि आप एक बहुत ही अच्छा स्कोर एसएसटी में आप स्कोर कर सके। तो यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन चालू होता है, ये देखिए पहला जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में।
यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन अगेन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर करके रखना है। एमसीक्यू क्वेश्चन काफी यहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी आप यहाँ पर अच्छे से यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। हम देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दिया है, या तो आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखिए और के नीचे जो क्वेश्चन दिया है, या तो आप इसको अटेम्प्ट करिए। दोनों में से कोई एक को आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने दोनों अटेम्प्ट कर दिया तो आपका जो पहला वाला है उसको कंसिडर किया जाएगा, सेकंड वाले को आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो दोनों में से किसी एक को ही आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपका दिया है, मैच द फॉलोइंग का दिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो काफी ज्यादा यहाँ पर चेंज हो रहा है। पहले आपका एमसीक्यू, फिर मैच द फॉलोइंग भी यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर अगेन यहाँ पर देखिए ये भी एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा कॉलम किसके साथ मैच कर रहा है। अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आपका स्टैटिस्टिक्स के थ्रू दिया है, ये एक ग्राफ दिया है, यहाँ पर ग्राफ का डेटा दिया हुआ है और इसके थ्रू आपको एनालाइज करके इसका आंसर करना है क्वेश्चंस का। यहाँ पर देखिए ये जो अल्टरनेट क्वेश्चन है ये सिर्फ विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए है, ये आप लोगों को नहीं करना है। डिफाइंड सेक्स रेशियो जो है ये आपका आप लोगों को नहीं करना है, ये केवल विजुअली चैलेंज स्टूडेंट लोग के लिए है। यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अगेन, जो कि है वो 1 मार्क का। अब ये देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस है अगेन। सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स मिल रहा है, सेवेंथ क्वेश्चन आपका यहाँ पर है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन अगेन आपका मल्टीपल चॉइस यहाँ पर क्वेश्चन है, जो कि पूछा गया है बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए आपका अगेन मैच द फॉलोइंग है, आपको कॉलम ए और कॉलम बी में दिए गए स्टेटमेंट को मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट किसके साथ मैच हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट किसके साथ सही बैठ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपको अपने आपका जो लैंग्वेज का चॉइस है आप उस पर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 अगेन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 भी मल्टीपल चॉइस है, 12 भी। 13 में देखिए आपको डिफाइन करना है अलायंस के बारे में कि अलायंस क्या होता है, तो आप इसको विद इन 50 वर्ड्स में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल 1 या 2 लाइन लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा, और इस क्वेश्चन में देखिए आपको चॉइस भी मिल रहा है। 14, 15 सार अगेन ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 15 में भी देखिए आपको इंटरनल चॉइस मिल रहा है इस क्वेश्चन में भी। सिक्सटीन देखिए आपका असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको असर्शन को पढ़ना है और उसके रीजन को पढ़ना है, फिर बताना है कि कौन सा सही है, असर्शन सही है या रीजन सही है, या अगर बोथ सही है तो आप दोनों पे भी टिक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ये पूछा गया है, थ्योरी क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 1 मार्क के, तो आप 1 मार्क के लिए पूछा गया, तो आप इसको 1-2 लाइन में आंसर करके इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो काफी डाइवर्सिफाई किया गया है आपके पेपर को इस बार। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन आपका मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला जो है ये सारे क्वेश्चन नंबर 20 तक तो आपके थे 1 मार्क के क्वेश्चन, अब जो आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में 3 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। तो 3 मार्क के लिए आपको 80 वर्ड्स विद इन 80 वर्ड्स तक में आपको आंसर करने हैं 3 मार्क के लिए, याद रखिएगा आप लोग। तो ये देखिए 21 क्वेश्चन, यहाँ पर पहला ही जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस दे दिया गया है, या तो आप इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए या तो इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, दोनों में से आप कोई सा एक अटेम्प्ट करके लिख सकते हैं। अगेन आपको क्वेश्चन नंबर 23 में भी इंटरनल चॉइस मिल रहा है, दोनों में से आप एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए इन दोनों में से। 24th क्वेश्चन में भी आपको इंटरनल चॉइस मिल रहा है, तो इस पेपर में देखिए सैम्पल पेपर में काफी ज्यादा आपको इंटरनल चॉइस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप ही के लिए अच्छा है बहुत, ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकें। अब ये देखिए ये है आपका जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो
तो यहाँ पर अगेन आपको ये पैराग्राफ को पढ़ना है और यहाँ पर क्वेश्चंस को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सही मल्टीपल चुन के उसका आंसर करना है। यहाँ पर तीन क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं जो कि हैं वन वन मार्क के हैं। तो ये देखिए जो तो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बन रहा था वो 3 मार्क के लिए बन रहा था, तो ये था आपका सोर्स बेस्ड का क्वेश्चन। तो ऐसे करके आपसे पूछे जाएंगे सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को। ये अगेन आपका एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, जो कि अगेन होगा ये 3 मार्क के लिए होगा। तो आप इस पैराग्राफ को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ को पढ़ के आप यहाँ पर नीचे दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप यहाँ पर आंसर करेंगे। सारा चीज हिंदी में दिया गया है। अगेन आपका 28 जो क्वेश्चन है ये अगेन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि है 20 क्वेश्चन नंबर 28 3 मार्क के लिए। तो यहाँ पर भी आपको सेम पैटर्न दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर टिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका हो जाता है सेक्शन सी स्टार्ट, और ये जो सेक्शन सी है ये है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, ये हैं आपके 5 मार्क के लिए। तो आपका यहाँ पर जो वर्ड लिमिट आपका मेंशन किया हुआ था वो किया हुआ था 120 वर्ड्स। विद इन 120 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चंस को सारे यहाँ पर आंसर करने होंगे, तब जाके आपको 5 मार्क मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में ही आपको इंटरनल चॉइस यहाँ पर दिया हुआ है, या तो आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को एक्सप्लेन कर सकते हैं या तो फिर लैंड मैनेजमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपका यहाँ पे पूछ लिया गया है, बहुत सारे कुछ कुछ यहाँ पर टर्म्स पूछे गए हैं, उनको आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए अगेन आपको एक इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 अगेन यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिल रहा है। 34 में भी इंटरनल चॉइस क्वेश्चन मिल रहा है। तो देखिए आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन काफी मिल रहे हैं, जिस कारण से आपका जो चॉइसेस है वो बढ़ जाता है क्वेश्चन को करने का। तो आप काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा स्कोर इस SST के सिलेबस में कर सकते हैं। सेक्शन डी देखिए आपका, सेक्शन डी जो है ये है मैप बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको इसको मैप पे करना है। ठीक है, आप 2 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं और इनको आपको मैप में टिक करना है। पहला यहाँ पर पूछा गया है अ रीजन विथ हाई रेनफॉल, फिर दूसरा पूछा गया है अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पर देखिए सी और डी 4 ऑप्शन को आपको यहाँ पर मैप में मैप टिक करना है। और क्वेश्चन नंबर 35 भी आपका है मैप, मैप का जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है हिस्ट्री से, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो था ज्योग्राफी से और यहाँ पर हिस्ट्री से पूछा गया है। तो आपको बताना है कि जहाँ पर बहादुर शाह जफर ने रिवॉल्ट किया था 1857 का, तो उस प्लेस को वहाँ पर मैप में करना है, और जहाँ पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी वहाँ पर आपको टिक करना है उस प्लेस को। तो ये था, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ये हैं विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए, तो ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट यहाँ पर नहीं करने। पेपर में आपका प्रॉपरली इस तरीके से मेंशन होगा, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन विजुअली चैलेंज स्टूडेंट के लिए हैं वो आप लोग अटेम्प्ट यहाँ पर ना करें, वो केवल विजुअली चैलेंज स्टूडेंट लोग ही अटेम्प्ट करेंगे। तो ये था आपका, यहाँ पर मैप मैप भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। इस पे आप लोग मैप को टिक करेंगे, तो अगर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको 2 मैप प्रोवाइड यहाँ पर किए जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर को लिखेंगे। यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, थ्योरी पे थ्योरी लिखते जाते हैं पर उनको नंबर नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर आप पूरा सैंपल पेपर का जो यहाँ पर मार्किंग स्कीम है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आंसर किस तरीके से यहाँ पर लिखना है। अगर आप आंसर लिखना समझ गए तो आपका जो स्कोर है वो और ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है, आप उसमें बहुत ज्यादा पुश कर सकते हैं अगर आपको आंसर लिखना आ गया। तो याद रखिए आपको थ्योरी थ्योरी पे आंसर नहीं लिखना है, आपको बुलेट पॉइंट्स पे आंसर लिखना है, आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पर मेंशन करके आंसर लिखना है। आप अभी देखेंगे इस पेपर में मार्किंग स्कीम में, तो ये देखिए जो सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन है इनको तो आपको बस एक लाइन में आंसर करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जैसे कि ये देखिए आपको विद इन 50 वर्ड्स में यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, 52 यहाँ
यहाँ पर मेरे ख्याल से 50 वर्ड्स भी नहीं है, ये 20 और 30 वर्ड्स के बीच में यहाँ पर ये आंसर किया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पेपर में आंसर लिखेंगे। और देखिए आपको मार्किंग स्कीम, देखिए मार्किंग स्कीम यहाँ पर किस तरीके से मिल रहा है। तो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को हम लोग छोड़ देते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आपको देखिए कैसे आंसर करना। सेक्शन बी जो था ये था आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था जिसको आपको लिखना था 80 वर्ड्स के बीच में लिखना था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को किस तरीके से यहाँ पर आंसर किया गया है, और ये जो और वाला क्वेश्चन था इसको भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा गया है, इसको पैराग्राफ में यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इसको यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट्स में। तो आपको भी जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें आपको आंसर जो करना है वो पॉइंट्स पे करना है, ठीक है। आप वहां पर पैराग्राफ पे पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में वहां पर आंसर करना है, जिसको एग्जामिन जो चेकर है वो अच्छे से पढ़ सके और समझ सके, ठीक है। अगर आप कहानी लिखने बैठ जाते हैं तो उसको कोई नहीं पढ़ता, आपको नंबर नहीं दिया जाता है उसको अच्छे से, लेकिन आप अगर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएट जो पूछा पूछा गया था, तो यहाँ पर प्रॉपरली उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया है दो एरिया में बांट के, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। तो देखिए 3 मार्क के लिए क्वेश्चन था, तो आप अगर एक एक पॉइंट यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे तो हर पॉइंट के लिए आपको एक एक मार्क यहाँ पर मिल जाता है, अलॉट किया कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है, 23 को देखिए यहाँ पर किस तरीके से आंसर किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे को आंसर जो किया गया है वो सारा आपका बुलेट पॉइंट में आंसर किया गया है, यहाँ पर भी थ्योरी नहीं लिखा गया। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में याद रखना है पूरा थ्योरी थ्योरी लिखने नहीं बैठना है, आपको जो भी आंसर करना है आप बुलेट पॉइंट में आंसर करेंगे, तभी है आप बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे आप अपने SST के पेपर में, SST के एग्जाम में। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो सारे आंसर शीट में देखिए, आप आंसर शीट में धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सारे का आंसर भी यहाँ से देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस का, और आप यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी आप देख सकते हैं कि मार्किंग स्कीम में आपको कैसा लिखना है। तो यहाँ पर मैं अगेन बार बार बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर पॉइंट्स में ही मिलेंगे, कोई भी थ्योरी में आपको यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा, पैराग्राफ पे पैराग्राफ नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए पॉइंट्स में ही आपको आंसर किए गए यहाँ पर मिलेंगे। तो आप क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर आंसर्स को भी यहाँ पर आप अपने थ्रू आंसर लिखिए, और फिर आप यहाँ पर आंसर को मैच करिए कि आपने यहाँ पर कितना आंसर सही लिखा है और किस तरीके का आंसर लिखा, और अपने आप को आप स्कोर करिए करके देखिए एग्जाम्पल पेपर के थ्रू, तब आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितना पढ़े हैं और आप कितना स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका मार्किंग स्कीम देखिए, आपको डिफाइन करने का 1 नंबर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, और आप जो उसके बाद 4 जो बुलेट पॉइंट लिखेंगे उसके बारे में, तो उस चीज का आपको 1 नंबर यहाँ पर दे दिया जाएगा, 4 नंबर एक एक मार्क दे दिया जाएगा हर एक पॉइंट के लिए। तो आपको यहाँ पर टोटल 5 मार्क आप यहाँ पर इस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को स्कोर कर सकते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो आपको इसी तरीके से आंसर को लिखना है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पर आपको एक एक नंबर यहाँ पर मिल रहा है। तो फाइनली जो आपको आंसर लिखना है वो लिखना है केवल बुलेट पॉइंट के थ्रू लिखना है, आप थ्योरी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बुलेट पॉइंट के थ्रू लिखेंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाते हैं छोटे छोटे, और जो आपका राइटिंग रहेगा वो नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने घसीटा राइटिंग में कुछ भी लिख दिया जो कि चेकर को समझ में ना आए तो उस केस में वो आंसर आपका कैंसिल कर देता है, काट देता है। आपको प्रॉपरली आंसर लिखना है नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। ये देखिए आपको मैप में भी आपको नीटली मेंशन करना है कि वो प्लेसेस कहाँ पर हैं, ठीक है, आप ऐसा पॉइंट एक डॉट डाल के और डॉट पे फिर एक लाइन खींच के आप यहाँ पर नीचे मेंशन कर सकते हैं कि वो कौन सा प्लेस है और कौन से क्वेश्चन का वो आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप का क्वेश्चन था और ये जो आंसर है ये आपका विजुअली चैलेंज स्टूडेंट लोग के लिए है। लेकिन यहाँ पर ये जो हिस्ट्री वाला क्वेश्चन था ये यहाँ पर है उसका आंसर। तो आप लोगों को इसी तरीके से आपको आंसर करना है,
ठीक है, तो आप लोग इन सैंपल पेपर को देखिए और उसके जो मार्किंग स्कीम्स हैं इनको देखिए और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, जिस कारण से आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आप SST के पेपर में बहुत काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।